नेवर जाकिर नाई जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नायाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले माननीय रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे सत्तार प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपा आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते हैं मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी ने आठ बीवियाँ थे, उसमें से रुक्मणी थी, आठ बीवियाँ थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की, ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते हैं, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, उसकी वैल्यू जीरो है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू जीरो है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की उसका हवाला दी, चैप्टर नंबर सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 8 पहले थे तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,107 में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए तो उस हालात में, तो ये इल्जाम नहीं हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किए, मेरी तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तलावत की और एक संस्कृत की तलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नीयत थी अल्लाह वाला मैं नहीं जानता, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मजाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया, अंग्रेजों ने दिया, ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना, अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एवद्वितीयम, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है। श्वेता शेतार उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कश्चिज् जनिता न च दीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालदेन है उसका, ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेता शेतार उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में नतस्य प्रतिमा अस्थि, उसके जैसा कोई भी नहीं है।
और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद, और चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है ना कोई बुत है ना कोई तस्वीर है, उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोक नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असमुद्धि उपास्ते, अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें है उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है, और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते आदि पढ़ी पूरी है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है, वक्त की किल्लत के वजह से उन्हें आधा पड़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अब दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मजाहब की किताबों में खसूसन हिंदुइज्म के, और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्हें भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5-8 उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा, इसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक, उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंड नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है जिसका नाम है कल्कि पुराना, और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15 जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18-25 18-25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है, कलयुग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि, उनके वालदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु व्यास, सुमति के मानी अमन, अमन करने वाली, और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले, और विष्णु व्यास मतलब
भगवान की इबादत करने वाला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल्कि पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल्कि पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे, वो जिक्र है कल्कि के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है।